नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल टेक्निकल में, जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HDFC बैंक से आए हुए वेलकम किट को अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि HDFC बैंक में आप किस प्रकार से एक बेसिक सेविंग अकाउंट अर्थात जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। गाइज, मैंने उस अकाउंट को ओपन किया था तो यहाँ पे एक सप्ताह के अंदर मुझे HDFC बैंक के द्वारा एक वेलकम किट मुझे प्राप्त हुई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक ये सारी चीजें हैं। दोस्तों, HDFC बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप किस प्रकार से ओपन करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। सिंपली गाइज, आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आइए, वेलकम किट को अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक का लोगो आपको दिखेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का नंबर वन बैंक HDFC बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे गाइज आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि दोस्तों आपने जो अकाउंट ओपन करने के वक्त एड्रेस फिल किए होंगे वही एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिंपली गाइज, इसके पीछे की तरफ आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह का दिखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइज, चलिए आइए इसको स्क्रैच करके इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। सिंपली गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने एड्रेस फिल किया था, सिंपली गाइज वही एड्रेस है यहाँ पे है, और यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है डियर सर, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि इस वेलकम किट में क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेकबुक एक ठो है, यहाँ पे डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग का पिन है, और उसके बाद से एक पासबुक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड का पिन है। सिंपली गाइज, यहाँ पे जितने सारी चीजें इस किट के अंदर है यहाँ पे सारी चीजें मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पे इसको साइड में करते हैं। यहाँ पे गाइज आपको एक पेपर मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं सेविंग एंड सैलरी अकाउंट, उसके बाद करंट अकाउंट, यहाँ पे सभी चीजें मेंशन किया गया है। गाइज, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो यहाँ पे आपको जो है 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलता है, और गाइज यदि आप नॉन मेट्रो सिटी से हैं तो यहाँ पे आपको 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या चार्जेज लगेगी, क्या चार्जेज नहीं लगेगी, तो आप जो है इसको रीडिंग कर सकते हैं। इसको साइड में करते हैं। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक के द्वारा मुझे यहाँ पे पासबुक प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे मेरी अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगी, उसके बाद रिफरेंस आईडी नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद गाइज, यहाँ पे मैंने इस अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे पेज जो है खाली मिल रहा है। इसके पीछे की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसका लोकेशन एक और यहाँ पे मेंशन किया गया है, और HDFC बैंक का जो है हेल्प लाइन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइज, आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये HDFC बैंक के पासबुक है। उसके बाद से गाइज, इसको साइड में रखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बुक्स मिलेगी, यहाँ पे HDFC बैंक का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल गाइज, इस चाहे तो आप इस बुक का जो है रीडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद से गाइज, यहाँ पे आपको जो है HDFC बैंक एक चेकबुक प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज आपको जो है चेकबुक के अंदर आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा। गाइज, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, जो कि गाइज आप चेकबुक फिल करके यहाँ पे आप जो है अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे HDFC बैंक का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकबुक लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज, यहाँ पे HDFC बैंक का चेकबुक है, इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। अब गाइज, यहाँ पे आपको HDFC बैंक की तरफ से एक चेकबुक का बुक मिलता है, जिसको जो है आप रीडिंग करके ये जान सकते हैं कि आपको चेकबुक को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप फ्रॉडिंग से बच सकते हैं। अब गाइज, इसको भी साइड कर लेते हैं। उसके बाद से गाइज, यहाँ पे आपको एक और बुक्स मिलेगा, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट में यहाँ पे मिनिमम बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेट्रो सिटी से हैं या फिर अर्बन सिटी से हैं या फिर रूरल साइड से हैं, तो यहाँ पे आपको कितना रुपया मेंटेन करना होगा, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो कितना रुपया चार्जेस काटी जाती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सिंपली गाइज, यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है। यहाँ पे गाइज, इसको आप स्क्रॉल करके आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मिलेगा। और एक चीज और है, यहाँ पे दोस्तों एक और पेज मिलेगा, जो कि आपको डेबिट कार्ड की पिन है यहाँ पे, कि गाइज इसको जो है स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की पिन इसी के अंदर है। यहाँ पे आपको जो है डेबिट कार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है, उस डेबिट कार्ड का पिन इसके अंदर है। सिंपली गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपको जो है जिस चीज के लिए आप जो है वेट कर रहे थे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, HDFC बैंक के डेबिट कार्ड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे मनी बैक डेबिट कार्ड है। यहाँ पे आपको इस डेबिट कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप जो है इस अकाउंट से एक दिन में कितना रुपए यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, कितना रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गाइज, ये जो कार्ड है यहाँ पे डेबिट कार्ड, ये मनी बैक कार्ड है,
यहाँ पे गाइज आपको जो है इस कार्ड के नंबर भी देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे छुपाया गया है। सिंपली गाइज यहाँ पे ये जो कार्ड है यहाँ पे चिपका हुआ रहता है, इसको यहाँ से हम जो है स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्ड जो है कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्ड है ये वीजा का कार्ड है। यहाँ पे वीजा का डेबिट कार्ड HDFC बैंक जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें यहाँ पे अलर्ट की गई है। वहीं गाइज इसके पीछे की तरफ बात करें तो आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये HDFC बैंक की वीजा का डेबिट कार्ड है। गाइज आप HDFC बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अर्थात बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये कार्ड देखने को मिलेगा। आपको जो है HDFC बैंक ये कार्ड प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, डेबिट कार्ड, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, इस डेबिट कार्ड की पासवर्ड, और यहाँ पे आपको चेकबुक भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है पासबुक देखने को मिल जाता है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे हम इस वेलकम किट का अनबॉक्सिंग करके दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं HDFC बैंक के साथ एक खाता खोलने के लिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। सिंपली गाइज आपको जो है उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को फॉलो करके आप अपनी HDFC बैंक में एक जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं, और खाता खोलने के एक सप्ताह के अंदर आपको एक वेलकम किट मिलेगा, और उसी वेलकम किट में आपको ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी।